हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आप लोगों के सामने खड़ी है KTM 390 एडवेंचर। तो बेसिकली इसके बारे में बात कर लेते हैं। वॉक अराउंड में आप लोगों को दे दूँ यार, बाइक तो मतलब बीस्ट लग रही है, सच्ची बता रहा हूँ। बहुत इतनी बड़ी लग रही है ना देखने में, इतनी अच्छी शानदार कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो चलो कोई नहीं, सब कुछ बात कर लेते हैं इसी बाइक के बारे में कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। और एग्जॉस्ट नोट भी आप लोगों को सुनाऊँगा और बाकी सारे के सारे फीचर्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इंजन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बाइक के अंदर 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है, जो कि मतलब ड्यूक 390 वाला इंजन है। बस थोड़ा बहुत पावर ऊपर नीचे आप लोगों को, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लग सकता है। लाइक 43.5 bhp का पावर मिलता है 9000 rpm पे, और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप लोगों को मिल जाता है 7000 rpm पे। ठीक है गाइस, ये सारे के सारे मतलब इंजन के स्पेसिफिकेशन हो गए। बाकी अब बढ़ते हैं फीचर की तरफ। तो फीचर की तरफ के लिए मैं एक बार लाइट आप लोगों को बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को फीचर्स में आप लोगों को मिल जाता है। लाइक ये यहाँ पे इसकी चाबी है कुछ ज़बरदस्त सी, दिखा देते हैं। ये लगी और ये ऑन होते ही है, कितनी प्यारी लग रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले फ्रंट्स में DRLs मिल जाते हैं। DRLs हैं, LED लाइट्स हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड होती है कि LED लाइट्स हों। LED आप लोगों को इंडिकेटर्स मिल जाते हैं बाइक के अंदर। फ्रंट में आपको 19 इंचेस के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। वैसे तो आपको हिमालयन और अदर बाइक जैसे ऑफ रोडर देखोगे तो स्पोक व्हील मिलते हैं, बट आपको इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं। बाकी पीछे अगर आप लोग पीछे के प्रोफाइल की देखोगे तो आप लोगों को इसमें 17 इंचेस का व्हील मिल जाता है। डुअल चैनल ABS आता है, कॉर्नरिंग ABS है बाइक के अंदर। अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑन करना चाहो तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस बाइक के अंदर आता है। मतलब फीचर लोडेड है भाई यार। और जो इस बाइक का प्राइस आप लोगों को अराउंड पड़ता है, मतलब ऑन रोड ही मैं बता देता हूँ, 3.5 लाख रुपये के आसपास का आप लोगों को पड़ेगा। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोग देख लेना जो भी होता है। क्विक शिफ्टर आप लोगों को बाइक में मिल जाता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स हो गया है। बाकी हम आप लोगों को TFT डिस्प्ले दिखा दूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ पे आप लोगों को स्पीडोमीटर मिल जाता है, RPM गेज मिल जाता है, ABS के ऑप्शंस हो गए, न्यूटन, जो भी आपकी साइड स्टैंड है, फ्यूल कम है, सब कुछ मतलब ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा देता है। यहाँ स्विचेस पे आपको किल स्विच मिल जाता है, ये है। बाकी आप लोगों को यहाँ पे सारे के सारे बटन है, जिससे आप लोग अगर कुछ भी सेट करना चाहो तो यहाँ पे देखो इजीली यहाँ से मैं जैसे बटन क्लिक कर रहा हूँ कर सकते हो। इंडिकेटर्स भी मैं दिखा दूँ यार, इंडिकेटर बहुत प्यारे लगते हैं मुझे KTMs के, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बाकी ओवरऑल बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सस्पेंशन की बात करोगे तो आप लोगों को WP Apex का USD फोक मिल जाता है फ्रंट में, मोनोशॉक एब्जॉर्बर रेयर में मिल जाते हैं। एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ बाइक का, ठीक है। तो ये ऐसे ऑन करते हैं, इसका कार्बो स्टार्ट हो जाता है और आवाज़ सुन सकते हो। तो हम आप लोगों को आवाज़ गाइस आप लोग देख सकते हो। इसको मैं पहले थोड़ा बंद कर देता हूँ, ठीक है, और ये इंडिकेटर भी बंद कर दिया जाए। फ्यूल टैंक आप लोगों को 14.5 लीटर के आसपास का मिल जाता है। यार देखने में वैसे लगता नहीं है कि इतना बड़ा है, लेकिन 14.5 लीटर के आसपास का आप लोगों को मिल जाता है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ दिखा दूँ, LED लाइट्स भी आप लोगों को बैक में मिल जाती हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि भाई हाइट वाइज, तो देखो यार हाइट वाइज 5.5 से तो ऊपर की हाइट होनी चाहिए। मतलब देखो जिस बंदे की 5.5 की हाइट रहेगी ना, मतलब बस दोनों पैर छुएंगे ज़मीन में और कुछ नहीं होगा। मतलब नॉर्मली चलाने के लिए ठीक है, बट अगर आप ऑफ रोड के लिए ले जाओगे तो बिल्कुल भी आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे यार बाइक को, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो कम से कम आपकी हाइट इसके लिए होनी चाहिए 5.8 के अराउंड। बाकी तो यार जब बाइक आप लोग लोगे तो टेस्ट ड्राइव लो, मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट कर लो, आपको टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी। जो भी अगर बाइक आपको अच्छी लगती है तो आप लोग ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर होप आपको वीडियो पसंद आई हो, बाकी मैंने आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुना दिया, आप लोग मुझे बताना कैसा लगा कैसा नहीं। और इस बाइक का अगर आप लोगों को हिमालयन से कंपैरिजन चाहिए तो आप लोग वो भी मुझे बता देना, मैं वो भी आप लोगों के लिए ला दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।